she's asking why I'm not very fit to play. Yes. It's yeah. It's Archana. She replied. Yeah, as you all know, fashion show is so it's a little bit our error, but she has been really supportive. The way she has rocked the ramp, I'm truly grateful because she has supported the cause of women empowerment where age, weight, height, skin color, language is not a barrier. So I'm very grateful to Monalisa for being here with us. Of course, and I'm happy too that Archana called me here, and it's a fabulous show. Thank you. Personally, I'm very fashionable. मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं बेस्ट ऑफ द क्लोथ्स पहनूँ और हमेशा मैं अच्छी दिखूँ क्योंकि मेरे फैंस मुझे इसी तरह पसंद करते हैं. तो जब भी मुझे मौका मिलता है तो डेफिनेटली. एंड मुझे लगता है जो ट्रोलर्स होते हैं बहुत कम संख्यक होते हैं एंड पीपल लव मी मोर रादर देन यू नो ट्रोल. सो कुछ चंद लोगों के लिए मैं अपने बाकी फैंस को मैं डिसाइड नहीं करना चाहती. एंड आई फील कि मैं जिस तरीके से भी आती हूँ वेदर इंडियन और यू नो वेस्टर्न और गाउन और स्विम सूट और एनीथिंग माई फैंस माई पीपल दे आर लविंग मी सिंस 20 इयर्स. सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड. So, मैं यही कहना चाहूंगी कि आज तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ बिकॉज ऑफ हो जाए तो शी मेड मी लुक ब्यूटीफुल एंड पामिका डिड माई कॉस्ट्यूम विच इज लवली. एंड थोड़ा बहुत ज्वेलरीज का इधर उधर हो गया था. सो दैट्स ओके. मैं वैसे भी अच्छी लगती हूँ एंड आई कैरी माई सेल्फ कि कुछ भी कमी हो जाए तो कुछ भी कमी है वो आई कैन फिल इट अप. सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी. Projects coming lined up बहुत सारा है तो मैं तो पहले से कुछ नहीं बताती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा नजर एंड ऑल सबको मानती हूँ कि कुछ भी मैं पहले से बता देती हूँ तो वो हो सकता है वो कट जाए या ना हो या फिर हो भी जाए बट स्टिल आई प्रेफर टू टेल आफ्टर इट हैपेंस. बहुत अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं एंड बहुत अच्छे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी गई हुई है. सो आई एम रियली होपिंग दे विल बी अमेजिंग एंड दिस टाइम कुछ अलग हट के आएगा. समय का तांडव ऑफ कोर्स क्यों नहीं जाएंगे. Thank you. This is makeup artist. And this is Manju ma'am. So thank you so much everybody for having us. We love you so much for your love. Yes. I hope आप लोग को शो अच्छा लगा मैम. Thank you. हम लोग सब अर्चना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. Big cheers to Archana ji for always coming with such projects which are really to the heart. And I think सबके दिल को भा जाते हैं. So I think God bless us and happy Diwali to all in advance. और सबसे बड़ी बात है कि जो जितने भी हाउस मेकर हैं वो उनको एक ऐसा मंच प्रदान करती है जहां आकर वो अपने सपनों को साकार करती हैं. कहते हैं कि खूबसूरती जो छलके आंखों से तो जिंदगी को जरूर मिल जाए. खूबसूरती जो महके सांसों में तो दिल के 100 गुलाब खिल जाए. खूबसूरती जो मुस्कुराए होठों पे तो दिल की जमी आसमां हो जाए. दिल की जमी आसमां हो जाए तो यहाँ सब ऐसे खूबसूरत हर साल इतना बढ़िया इवेंट करते हैं एंड विच कीप्स गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी ईयर. और इस साल भी बहुत अच्छे डिजाइन है. अब भामिका जी ने मेरे को एक बढ़िया सा कुछ सूट कोट बना के दिया है. चला मुरारी हीरो बनने पाइपलाइन में बहुत कुछ है. अभी देखिए आर्या के 3 सीजन आ चुके हैं सुष्मिता सेन के साथ और उसके बाद अभी कुछ एक्साइटिंग चीजें हैं. इस बीच मेरी ट्रैवल काफी चल रही है कभी हिंदुस्तान कभी बाहर. बट या वेरी सून once the projects are ready for release that will be a better time to talk about them clearly. Archana ke bare mein bataiye aap kya kehenge kuch tayar kiya hai Archana ji ke bare mein. Archana ji ke bare mein to jitna kaha jaye utna kami hai because main mere khayal se I had come 2-3 years back aur tab ke muqable already I'm seeing
the event has become so much bigger and so many more people are involved, you know, and quality in every way, so many designers. So क्या है कि देखिए हमारे देश में प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी क्या है हर फील्ड में. ड्रीमर्स बहुत है, एम्बिशियस बहुत है, यंग पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है. सो दिस इज अ ग्रेट थिंग विच फर्चुनिटी हैज दैट शी हैज प्रोवाइडेड द प्लेटफॉर्म वेदर दे आर मॉडल्स डिजाइनर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स. सो या दैट आई फील इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन एंड टू कीप डूइंग इट एवरी ईयर दैट्स अ ह्यूज थिंग आल्सो. महिलाओं को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया और इस नवरात्रि के पावन अवसर पर जो महिलाएं अपने में कमी महसूस करती है उनको आगे बढ़ने का हौसला उन्होंने दिया है. इसलिए दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले आप सभी को जय माता दी. और नवरात्रि चल रहा है, देवियों के दिन है, तो डेफिनेटली देवी अपने स्वरूप में आई है. जोक्स अपार्ट, बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत खूबसूरती से ये किया हुआ था. आर्ट मीडिया, आईवीवी क्रॉनिकल्स, अर्चना जैन, सबको बहुत बहुत थैंक यू. इतने सारे जो डिजाइनर्स हैं, जो ड्रेस डिजाइनर्स हैं, ज्वेलरी डिजाइनर्स हैं, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू. बहुत अच्छा एक ये टीम वर्क है. टीम वर्क होने के बाद एक खूबसूरत सा शो आपने देखा. आई होप आपको पसंद आया रहेगा. हमारे साथ बहुत सारे बहुत नोन पर्सन भी हैं और डेब्यू करने वाले दक्ष भी हैं एंड आई होप दक्ष को भी अच्छा लगा रहेगा. प्लीज कम दक्ष, कल सर एक्सपीरियंस की फर्स्ट टाइम आपने वॉक किया तो कैसा लगा? बहुत खुश महसूस करना पड़ा तो कि बहुत ब्लेस है कि मेरे को सोर्स कॉम्पिटेंस में मौका दिया है. इनके कपड़ा अपने की सबको बहुत मेहनत लगी है, दो दिन से मेहनत कर रहे सुबह पूरी टीम और जैसे पूरी टीम वर्क लगी पीछे. एंड मैं भी उसकी छोटी सी कोशिश है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आके बस अपना नाम और यही से मैं छोटी मोटी से शुरुआत करना चाहता हूँ. ये तो बहुत बड़ा इवेंट है मेरे पहला, बस मैं ऐसे ही काम करना चाहता हूँ और बच्चों को बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक बार नाम बनना चाहता हूँ. सो दक्ष, यू थिंक कि इसकी ये ओपनिंग जो है आपके इसमें शो स्टॉपर थे तो इससे आपका थोड़ा स्टेज कॉन्फिडेंस बढ़ा, स्टेज फियर चला गया? स्टेज फियर तो एज सच नहीं है, बट एक चीज है कि तो मीडिया है हमारे साथ, तो बस वही है कि दर्शकों तक कैसे पहुंचू वो एक प्लेटफॉर्म मेरे को आज ये मंच ने दिया कि इतनी मीडिया कवरेज है. तो आज डेफिनेटली आप सब मेरे को मदद करेंगे दर्शकों तक पहुंचाने के सोशल मीडिया से इंटरनेट के थ्रू, तो बस वही. और ऐसी मतलब बहुत ही ब्लेस फील करता हूँ. शो स्टॉपर बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत लोग इतने सब अपॉर्चुनिटी में जैसे बोला कि बहुत लोग हैं, बट मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली. आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द पीपल हु आर बिहाइंड दिस शो. आगे के और जो शोज हैं उसमें आप ओपन भी कर रहे हैं कुछ शोज में? या आगे के और तीन शोज हैं, मैं ज्यादा तो बोलूंगा इस बारे में, आप खुद देखिए एंड बस देखिए और आप बताइए कैसा है. आपके लिए शो बनाए और बस हम अभी बोलना ही चाहूंगा, आप देखिए हम बताएंगे सब. डेफिनेटली, तो बने रहिए हमारे साथ, कंटिन्यूज है अभी और आगे पिक्चर बाकी है, अभी और तीन शोज बाकी है. राइट राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. धन्यवाद. बहुत ही खूबसूरत है ग्लोबल फैशन परेड, वो भी आज के इस शुभ दिन पर जब मैं हमेशा गॉडेस बुलाती हूँ श्रीमती मंजू मंगल प्रभात लोधा जी को, क्योंकि उसमें वो उनमें वो शक्ति है, गॉडेस की शक्ति है. और आज इस खूबसूरत दिन पर हमारे सारे लिविंग लेजेंड्स हैं हमारे साथ, डॉक्टर श्याम सिंगानिया जी, सुनील सेठी साहब, डॉक्टर अनिल काशी मुराता जी. और इससे हमें और खूबसूरत बात कौन सी हो सकती है दैट अर्चना जैन का ये खूबसूरत इनिशिएटिव आज एब्सोल्युटली उसे सुपरस्टार बनाने जा रहा है. सो कांग्रेचुलेशंस टू आईवीवी क्रॉनिकल्स, इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट. और मैं प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी द फाइनेंस मैन एंड डॉक्टर अनिल जी से कि दो शब्द जरूर फरमाए. मंजू जी ने इनकी पोएट्री तो सबका दिल जीत लेती है. मंजू जी आपने ऑलरेडी आई नो आपने कहा, तो इसलिए मैं वही कहना चाहूंगी कि आपको सुनने के लिए ना सभी तरसते हैं. सो बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू अनिल जी. आ जाए बहुत जबरदस्त शो था और अर्चना ने तो कमाल कर दिया. सुनील सेठी जी की बैकिंग थी, अनिल जी की बैकिंग थी, सिमरन ने बहुत अच्छा बोला, सब आप लोग आए थे और आप लोग हैं मीडिया,
तो आप लोग मीडिया है तो इसको कमाल कर सकते हैं सर। हिमांशु का है तो हिमांशु के लिए 3 cheers, आप लोगों के लिए 3 cheers, साक्षा के लिए 3 cheers। मैंने जैसे वहां से किया, जिस हिसाब से अर्चना जी इस मोहिम को लेकर चल रही, इट्स फिनोमिनल। आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट इन द इयर्स टू कम। वो दिन शैला जी ने कहा कि भाई आज जब वो शैला जी फैशन क्लोज करती है, करीब करीब 1000 औरतें वहां होती है और गलती से 2-3 जैसे मर्द होते हैं। बट इट इज ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। Keep rocking, keep spreading smiles, and have a great future. I mentioned you all. साथ में ही सबका विकास, ये अटूट सच है। अगर मैं कहीं गुण पाता हूँ तो मेरा सौभाग्य है। अर्चना जी ने भी लायक समझा, यहाँ बुलाया। It's indebted to her, thankful to her. As I said, in years to come, हम इंश्योर करें कि अर्चना reaches miles ahead. जितना अर्चना जी ने बताया था मुझे, मैंने साथ में भी सुख हैंड फॉर आइडल पार्टनर्स सुना था, जितना करें उससे कई एक्सपेक्टेशन ऊपर तो भी हैप्पी टू बी आप जी का जो टाइटल स्पॉन्सर वो बस पे बिगनिंग डेफिनेटली इन मोर फॉर नेक्स्ट टाइम टू कम ओनली वन डेफिनेटली फॉर श्योर एंड वी विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस शो। ग्लोबल फैशन परेड जो है ये ऐसा कल्चर है जहाँ पर एज वेट हाइट स्किन कलर लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। इनफैक्ट फैशन का डिफरेंट कल्चर का सब देखने मिलेंगे। एंड आज हमारे साथ एक ब्यूटीफुल शो स्टॉपर है रूबिका जी। शी हैव डन अ फैबुलस जॉब एंड उन्हें बहुत क्राउन्स विन किए हैं एंड उनकी जर्नी काफी अमेजिंग है। एंड शी वाज अ शो स्टॉपर फॉर स्टाइल कास्टिंग, सो आई वांट हर टू टॉक मोर अबाउट इट। हाय, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा शो था। इतने वर्सेटिलिटी और इतने अच्छा डिजाइनर जिसमें जरा भी कमर नहीं है, इतना डाउन टू अर्थ। एंड इवांका इज द पर्सन, मतलब कहते हैं ना आज के जो बच्चे हैं और जवान लोग हैं वो बढ़ गए हैं, वो इवांका को देख के पता चलता है ये टैलेंट इस उम्र में कम देखने को मिलता है। तो ऑल द बेस्ट फार्मिका, ऑल द बेस्ट अर्चना जी, आईडीएफबी क्रॉनिकल्स, आर्ट मीडिया, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल शो एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो एक्साइटेड एंड आई एम थैंकफुल गुप्ता जी जिन्होंने मुझे इधर अपॉर्चुनिटी दी है और मेरी लाइफ में ये फर्स्ट एज अ शो स्टॉपर मेरी लाइफ किया है और मैं फुल कॉन्फिडेंस थी और बहुत ही अच्छा हम लोगों का शो हुआ है। और मैं कॉन्ग्रेट्स भी करना चाहती हूँ, इसी तरह से आप बड़े बड़े शोज करती रहे और गुप्ता फाउंडेशन को, गुप्ता ग्रीक फाउंडेशन मीट एंड ग्रीट फाउंडेशन को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन एंड अर्चना जैन को भी कॉन्ग्रेचुलेशन और जो इनकी टीम है एंड वीडी स्टूडियो को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, सब पूरा पूरा टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं कि जो मेरा आउटफिट है वो हमारे घर कहते हैं ना गाँव में बोलते हैं इसको रानी कलर, मतलब मेरी मम्मी का भी और सारे को महिलाओं का जो ये रानी कलर होता है ना ये बहुत फेवरेट होता है ना, ये पिंक में आता है ना पर्पल में आता है तो इस कलर को रानी कलर बोलता है। तो इन्होंने मुझे जो रानी कलर का जो आउटफिट पहनाया है मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने पूरा इवेंट संभाल लिया और थैंक यू सो मच, मुझे सच में दिल से बहुत अच्छा लगा। फाउंडेशन चालू किया है, मेरी मम्मी है अर्चना गौतम ने हमको बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच अर्चना एंड थैंक यू सो मच जी। अर्चना जी ने बहुत चार चांद लगे, उनकी वजह से हमारा शो एकदम सुपर डुपर हिट हो गया है और उनके वजह से हम बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं सबकी तरफ से। अच्छा लग रहा है,
you know, first of all, I'm wearing this such a beautiful dress by Viri Studio. It's so lovely. And I want to congratulate you for this such a beautiful event. And itna acha enjoy ke kaam kar rahe ho aap. You know, and I'm very happy to associate with you. So, yeah, I'm very, very happy to associate with her. She's such a lovely person. She's doing such a nice thing. And I would love to, you know. We are very thankful to her for presenting our outfit. She's looking awesome in this, as if it's made for her. And when we talk about the alteration, I haven't even tried it. Thank you so much. Thank you. पहली बात तो जैसे नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रों पे हमने देखा है कि इंडियन वेयर लोगों ने किया है और आर्ट मीडिया का बहुत ज्यादा सपोर्ट है इस फैशन शो पे. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब मैंने उनके साथ ये कोलैब किया. मेरा फर्स्ट ब्रांड शो स्टॉपर है तो मुझे पूरी जिंदगी ही याद रहेगा. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने पहली बार इंडियन पहना और इंडियन के साथ इतना कंफर्टेबल हुई रैंप वॉक करने के लिए. मुझे बहुत बहुत इनफैक्ट आर्ट मीडिया को कंग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ कि ऐसे ही बड़े बड़े शोज करते रहे पूरे पूरे मुंबई में पूरे दिल्ली में. बस मेरी तरफ से इनको कंग्रेचुलेशन. Definitely, she said, she'll join us for a few other shows also. We would also love her to join us for many more shows in the future. Thank you so much. Thank you.
मेरी शुभकामनाएं इवेंट के लिए सुनील सेठी बॉबी के लिए. बॉबी हैज बीन अ वेरी डियर फ्रेंड फॉर सम टाइम नाउ और जब उन्होंने कहा कि थोड़ा सा सरप्राइज इनिशियली मुझे लगा कि मेंस वेयर तो वो करती रही बट यू नो देन शी सेड कि शी इज प्लानिंग समथिंग बिग सो देन आई वाज लाइक ऑफ कोर्स एनीथिंग फॉर बॉबी सो माय बेस्ट विशेस आर विद हर एंड सुनील जी एंड द होल इवेंट टीम. थैंक यू. आप बहुत समय बाद रैंप पे वॉक कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? हाँ थोड़ा नर्वस एक्सपीरियंस था, लाइक डूइंग इट ऑल ओवर अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड बट इट वाज नाइस यू नो डूइंग इट फॉर अ गुड कॉज फॉर अ फ्रेंड तो मजा आता है. आप क्या कहना चाहेंगे? I just say all the best to Bobby K. Because Bobby K, she's not my friend actually. I can say she's my sister. And I'm here to support her. I'm very glad, I'm very blessed. That she showed me her with us. So just say all the best to Bobby K. And don't take that chance. Bobby, yeah. Aye, aye, aye. Thank you so much, guys. फेस्टिवल सीजन विच इज कमिंग अप सो इट हैज अ लॉट ऑफ ब्लिंग वेरेबल इजी फन गोइंग आउटफिट लाइट सिल्वेट्स so makes the wearer very comfortable. आप men's नहीं करते first time? Yes, I've started my men's collection with Priyanshu modeling for me. So we have a long way to go. आपके show में बहुत कमाल के मतलब celebs और guests आए और उन्होंने बहुत cheer किया मतलब बहुत energy की इस show में तो क्या कहना चाहेंगे response उन्होंने बहुत पसंद किया. So I'm all very very obliged and very grateful to all my friends and family for supporting me. अर्चना जी क्या कहना चाहेंगे आप? सब ब्लैक ब्लैक वेल इट वाज अमेजिंग शो बाय बॉबी के एंड द फैंटास्टिक कलेक्शन एंड ग्रैंड फिनाले किसी को बोलते शी रॉक्ड इट. थैंक यू सो मच सीन अ पार्ट ऑफ आईबीबी क्रॉनिकल्स एंड यू आर अमेजिंग. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. थैंक यू. हैप्पी नवरात्रि. Ready? Yes. Yes, yes. I am really happy. बहुत अच्छा लग रहा है. अर्चना ने बहुत अच्छा शो किया है एंड इट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल. और नेक्स्ट ईयर आपको अभी से मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मेरी जबान से कि ये फैशन वीक होने वाला है. इट्स नॉट जस्ट अ परेड, इट्स अ फैशन वीक गोइंग टू बी. तीन दिन का पूरा महोत्सव होगा, बहुत मजा आएगा ऐसा जैसा आज मजा आया है. मैंने तीन शो में वॉक किया है जैसे आपने देखा होगा. कुछ शोज ऐसे थे कि मुझे बैक टू बैक जाना पड़ा तो इसलिए मैं वापस आ नहीं पाई बीच में, लेकिन मेरा पहला और दूसरा लुक तो आपने देखा है. आई होप आप सबको पसंद आया रहेगा एंड इट्स अमेजिंगली डिजाइन. पूरा शो बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ था. थैंक यू अर्चना, इट वॉज रियली रियली ग्रेट. एंड अर्चना आई होप जो से मैंने अपनी जबान से जो बोला है वो सही. व्हाट डू यू थिंक? वी डू इट, वी विल डू इट. थैंक यू. तीन वॉक किए मैंने और तीनों वॉक में मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगा. सबके ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, सबके मेकअप बहुत अच्छा हुआ था और लैंप पे कोऑर्डिनेशन जो हमारे शो डिजाइनर कोरियोग्राफर है वो भी बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ किया था. बहुत मजा आया, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. लुक लुक
So basically, it's a red carpet look right now. Ekta ek red carpet look mein, and she is anyways beautiful. Kaun nahi jante Ekta Jain? I know her. I love her. Thank you. Thank you. हाँ मैं दो महीने से मेहनत कर रही हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए एंड बहुत कुछ सीखा बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया बट फाइनली सबके सपोर्ट से सबके ब्लेसिंग से हमने सक्सेसफुली इसे कंप्लीट किया थैंक यू जो भी आज शो कर रहे हैं थैंक यू सो मच थैंक यू Amazing collection. Bobby is my family. She's my very, very close friend, very dear friend. And her husband, Jaspal. They both are like most amazing couple. And Bobby is excellent in her work. And she's always very fashionable and fashionista. So I'm sure with this show, she will set a trend. Congratulations. Theme was festive. अब फेस्टिवल सीजन है तो फेस्टिव थीम था एंड मैं फैशन से बहुत टाइम से जुड़ा हुआ सो आई हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम्स इन फैशन सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ बॉबी एंड आई थिंक इट वाज एक्सीलेंट शो ऑफिशियल सेंस विद द टीम म्यूजिकल म्यूजिकल कुछ होना चाहिए म्यूजिकल के साथ आप इनको विश करें बॉबी टीम मैं बॉबी के लिए जिंगल बना दूंगा और आप वीडियो पे देखिए कांग्रेचुलेशंस बॉबी वंस अगेन थैंक यू